बॉलीवुड में भी कमाल के लोग होते हैं, मसलन वो लोग जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ खड़े होना पसंद नहीं करते, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, फिर सीधे वो गले लग जाते हैं। आपको याद है वो सलमान खान का वीडियो विकी कौशल के साथ, जिसमें काफी चर्चाएं हुई थी सलमान खान और विकी कौशल की। विकी कौशल एक जहां खड़े होते हैं फोटो खिंचवा रहे होते हैं, सलमान खान का काफिला आता है, विकी कौशल उसके बाद देखते हैं उनकी तरफ, सलमान की तरफ आगे बढ़ते हैं, उन्हें गले लगाने की कोई कोशिश करते हैं हाथ मिलाने की, लेकिन सलमान खान ना उनकी बातों को जवाब देते हैं, ना सलमान उनकी बात को पूरा होने देते हैं, खड़े होकर सुनते हैं, वॉक करते निकल जाते हैं। और तो और सलमान खान ने हाथ मिलाना भी विकी कौशल से मुनासिब नहीं समझा था। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार जो है गर्म हो गया था, तरह तरह की बातें, तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह के किस्से कहानियां जो हैं वो शुरू हो गए। कई लोगों ने कहा कि यार क्या सलमान खान कैटरीना कैफ के पति को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारी बातें निकल कर आई और सवाल भी बहुत सारे खड़े हुए। लेकिन इस घटना को लेकर सलमान खान पर जब सोशल मीडिया पर निशाना साधा गया 24 घंटे के अंदर, तो एक और वीडियो आ गया, और ये वाला वीडियो जो है ये बहुत हैरान करने वाला, हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि इस बार विकी कौशल किसी काम में व्यस्त रहते हैं आईफा अवार्ड में, और उसके बाद सलमान खान आते हैं, न सिर्फ आते हैं बल्कि दबंग खान पीछे से आकर खुद विकी कौशल की तरफ बढ़ते हैं और विकी कौशल को हग कर लेते हैं। हाँ, और ये दूसरा वीडियो ये एक्चुअली बहुत शॉकिंग है, क्योंकि सलमान खान इस बार खुद विकी कौशल की तरफ बढ़कर आते हैं और विकी तो दुमदा देख भी नहीं रहे होते, और जब विकी के सामने सलमान आते हैं तो विकी कौशल का चेहरा जो है देखने लायक होता है, लेकिन सलमान खान उन्हें फिराकर हक कर लेते हैं। मानो ऐसा लगा कि सारी कंट्रोवर्सी को वो खत्म करना चाहते हैं। बीते 24 घंटे में सलमान खान विकी कौशल के रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें की गई, तरह तरह के सवाल किए गए, बहुत सारी चर्चाएं चली। सलमान खान ने लेकिन इस बीच में विकी कौशल को जब गले लगाया तो लोगों ने कहा वाह भाई जान वाह। एक वर्ग कह रहा था सलमान खान दिल के बहुत अच्छे इंसान है, पिछली घटना जो हुई उसके बाद वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई विवाद हो। दूसरा वर्ग कह रहा है कि शायद भाईजान की पीआर टीम को लगा हो कि बाबू डेंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि विकी कौशल को एक लोग अच्छा इंसान मानते हैं, विकी कौशल की जो इमेज है वो गुड बॉय वाली है, और गुड बॉय के साथ सलमान खान की जो वीडियो है, तस्वीर है, उसमें एक वर्ग को लगता है कि सलमान खान का एरोगेंस जो है वो निकल कर आ रहा था। अब किसी का भाई किसी की जान विवाद ना हो, इसलिए सलमान खान ने यहां पर ही कदम उठा लिया। और तीसरा वर्ग जो है वो ये मानता है कि विकी कौशल ने कोई गलती नहीं की, विकी कौशल ने इस घटना के बाद सलमान खान को डिफेंड किया था और कहा कि कई बार जो चीजें दिखती हैं जैसा प्रतीत होती हैं वैसा वो होती नहीं है, इसलिए घटना को उस तरह से ना देखा जाए। विकी कौशल ने एक्चुअली सलमान खान के एरोगेंस को लेकर पूछे गए सवालों को डिफेंड किया था और कहा था ये इंसिडेंट वैसा नहीं है जैसा उन्हें दिखाया जा रहा है, उनके साथ उतनी ज्यादती नहीं हुई है जैसा लग रहा है। हालांकि विकी कौशल के स्टेटमेंट को लेकर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्वेश्चन भी किया, क्योंकि कहा कि यार विकी कौशल के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि चाहे विकी कौशल हो या कैटरीना कैफ हो, सलमान खान से लड़ाई होने के बाद या सलमान खान से रिश्ते खराब करने के बाद उनके पास बॉलीवुड में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कई लोगों का मानना था। कई लोगों का यह भी कहना था कि सलमान खान ने ही कैटरीना कैफ को बनाया था और अभी भी कैटरीना कैफ की जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है टाइगर 3 वो भी सलमान खान के साथ है, उसके अलावा कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो है शादी के आसपास से कैटरीना कैफ के पास आया नहीं। बीते कुछ सालों में भी कैटरीना की जो फिल्में हिट हुई हैं वो भी सलमान के इर्द गिर्द हुई हैं, ऐसे में सीधे सीधे बॉलीवुड के सबसे दबंग भाईजान सलमान खान से पंगा लेना विकी कौशल के लिए अच्छा नहीं होता, खासतौर पर तब जब वो विवेक ओबरॉय के करियर का हश्र देख चुके हैं कि एक्टिंग टैलेंट होने के बावजूद भी किसी बड़े डायरेक्टर ने उनका साथ नहीं निभाया और साइड रोल या फिर कई सारे हीरो के साथ मिले जुले रोल जो है वही वो करते रहे और बॉलीवुड में इतना लंबा समय गुजारने के बाद भी वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, जबकि वो वही विवेक ओबरॉय थे जिन्हें एक जमाने में आदित्य चोपड़ा ने कहा था कि ये शाहरुख खान की तरह बड़ी चीज हो सकते हैं, मतलब जिसके अंदर आदित्य चोपड़ा ने इतने गुण देखे हों, उस इंसान के करियर का ढलान जो है वो चर्चा केंद्र में। हालांकि सलमान ने कभी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सब जानते हैं कि विकी कौशल ने सलमान खान से सार्वजनिक माफी मांगी, विवेक ओबरॉय ने सार्वजनिक माफी मांगी। तो हमें लगा हम आपसे ही पूछ लेते हैं कि
विकी कौशल का जो ये कदम है, ये क्या, इसको क्या कहेंगे आप? क्योंकि विवेक ओबरॉय ने गलती की थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था सलमान खान पर, सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा दिए थे, और उन आरोपों का असर ये हुआ था कि सलमान खान की इमेज को काफी डेंट हुआ था, जिसके बाद सलमान ने उन्हें माफ नहीं किया, भले ही विवेक उनसे सार्वजनिक मंच से माफी मांगते रहे। लेकिन विकी कौशल ने इग्नोर किए जाने के बावजूद, उस तरह के वीडियो सामने आने के बावजूद सलमान खान को डिफेंड किया, न सिर्फ डिफेंड किया बल्कि उल्टा सवाल खड़े कर दिए लोगों पर, मीडिया पर, कि आप लोग इस मामले को हाईलाइट कर रहे हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करेंगे क्या मिलेगा, मामला जाने दीजिए, चीजें अलग आती हैं, दिखती नहीं है। और इन सारी घटनाओं के बीच में सलमान खान का आना, उनको हक करना, चीजों को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करना, आपको लगता है कि ये गुडविल से किया गया है, अच्छे दिल से, सोशल मीडिया पर हुए बवाल के बाद रियलाइजेशन को लेकर, या जो एक बड़ा वर्क कह रहा कि यार पीआर टीम जो है वो बहुत एक्टिव होती है, और पीआर टीम ये मेक श्योर करती है कि आप कोई ऐसा काम, अगर आपकी इमेज खराब हो रही है पब्लिक में, आपस में लड़ झगड़ लो, लेकिन अगर कोई मामला पब्लिक में जा रहा है तो उसे रफा दफा कर दो, वो मामला हाईलाइट नहीं होना चाहिए। हालांकि सलमान खान भाइयों के भाई हैं, जानों के जान हैं, लेकिन उनके बारे में अक्सर ये कहते हैं कि वो माफ नहीं करते हैं, खासतौर पर महिलाओं वाले मामले में आए, आप देख लीजिए अर्जुन कपूर से बात नहीं करते हैं, अर्जुन कपूर से कहीं मंच साझा नहीं करते हैं, मलाइका अरोड़ा, यहां भी यही सवाल उठ रहे थे, लेकिन ये वीडियो के बाद चीजें